प्रसार भारती ऐड करने जा रहा है नए टेस्ट स्लॉट। अब प्रसार भारती ने मन बना लिया है नए टेस्ट स्लॉट ऐड करने का और जल्द होने वाली है 63वीं ई ऑक्शन और आपके चारों चैनल फेवरेट जो भी हैं वो आपको जल्दी वापसी देखने को मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जानकारी कुछ हटके पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टार उत्सव जी अनमोल सोनी पर कलर सस्ते और 63वीं ई ऑक्शन और नए टेस्ट स्लॉट को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि जो ई ऑक्शन हुई थी हमारे लिए 61, उसमें ये चारों चैनल्स आना चाहते थे लेकिन जो स्लॉट कमी होने की वजह से ये वापसी नहीं कर पाए। तो प्रसार भारती को भी पता है कि इन चैनल्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है और इन चारों चैनल्स यानी कि ये चारों हिंदी जीसी के चैनल हैं और इनकी जो है कैपेसिटी यानी कि इनकी वीड वैल्यू, इनसे जो है प्रसार भारती कमाई भी ज़्यादा होती है। तो प्रसार भारती को भी अब काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि उसके पास स्लॉट नहीं है तो ये चैनल्स नहीं आ पा रहे हैं, जिससे डीडी फिश के दर्शकों को भी नहीं आनंद आ रहा है और जो है प्रसार भारती को भी घाटा हो रहा है। तो प्रसार भारती अब जो है जल्दी नए टेस्ट स्लॉट ऐड करने वाला है और उसके बाद में 63वीं ई ऑक्शन की जाएगी, जब आपको चारों चैनल देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको डीडी प्रीडिट डीटीएच और सीरियल संबंधित सारी अपडेट मिलती रहती है। तो हम आपको बता दें कि प्रसार भारती पूरी कोशिश में लगा हुआ है कैसे ना कैसे कर कुछ नए टेस्ट स्लॉट ऐड कर दिए जाएं। यहाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि MPG2 में फ़िलहाल सभी TP ट्रांसपोंडर्स की कैपेसिटी फुल है, लेकिन अगर कैपेसिटी फुल है तो अगर एक से दो स्लॉट की अगर बात आती तो प्रसार भारती कुछ जुगाड़ कर लेता, लेकिन अब चार से पाँच स्लॉट के लिए जो है उसके पास कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो है प्रसार भारती की बात जो है लगातार नए ट्रांसपोंडर्स खरीदने के लिए चल रही है, ये जो कि 2022 के अप्रैल महीने से ही ये चल रहा है काम, लेकिन अभी इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है नए ट्रांसपोंडर ऐड हो सकते हैं डीडी फ्रीडिश पर, तब जो है आपको नई ई ऑक्शन देखने को मिल जाएगी। तब आपको चारों चैनल्स के साथ साथ अन्य चैनल भी देखने को मिलेंगे, जैसे स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, स्टार भारत जैसे चैनल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आपका क्या सवाल है कि आपको ये चैनल किस महीने तक देखने को मिलने चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।